हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रल वीनस लाइन, जिसको हम लोग सेंट्रल वीनस कैथेटर भी बोलते हैं। ये एक तरह की आईवी लाइन होती है जिसको हम लोग लार्ज वेन में इंसर्ट करते हैं। पेशेंट की बॉडी के लार्ज वेन में हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी लार्ज वेन्स होती हैं, लाइक अगर हम लोग शोल्डर एरिया की बात करें तो हम लोग की सब क्लेवियन वेन है, नेक एरिया की बात करें तो जुगलर वेन है, और ग्रोइन एरिया की बात करें तो हम लोग को फीमोरल वेन दिखेगा। अगर हम लोग मोस्ट प्रिफर्ड साइट की बात करते हैं, जिस कौन से एरिया में हम लोग सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रिफर्ड साइट कौन सा है, सबसे ज़्यादा कौन से साइट में इंसर्ट करते हैं, तो राइट इंटरनल जुगलर वेन में हम लोग सबसे ज़्यादा सीवीपी लाइन को इंसर्ट करते हैं। बिकॉज देयर इज़ वेरी लेस रिस्क ऑफ द न्यूमोथोरेक्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं न्यूमोथोरेक्स होने के, इसलिए हम लोग राइट इंटरनल जुगलर वेन में इंसर्ट करते हैं। और लीस्ट प्रिफर्ड साइट कौन सा होता है, तो लीस्ट प्रिफर्ड साइट हमारा लेफ्ट सबक्लेवियन वेन होता है, वो लीस्ट प्रिफर्ड साइट होता है, क्योंकि वहाँ पे हाई रिस्क ऑफ द न्यूमोथोरेक्स होते हैं। और अगर हम लोग फीमोरल वेन की बात करें, तो फीमोरल वेन जो होता है वो लीस्ट प्रिफर्ड वो भी साइट होता है, बिकॉज देयर इज़ वेरी हाई रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन, जिसकी वजह से डीवीटी होने के चांसेस रहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए हम लोग फीमोरल वेन का यूज बहुत कम करते हैं। राइट, ये सारे कॉमन साइट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम लोग प्रोसीजर की बात करें, तो मोस्ट कॉमन यूज्ड प्रोसीजर जो होता है वो सेल्डिंगनर टेक्निक होता है। सेल्डिंगनर टेक्निक से हम लोग इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। मेनली ये प्रोसीजर जो होते हैं वो डॉक्टर्स परफॉर्म करते हैं। राइट, अगर हम लोग पोजिशन की बात करें, तो मेनली हम लोग ट्रेंडल वॉक पोजिशन देते हैं पेशेंट को। इसके पीछे रैशनली क्या हो सकता है, टू मिनिमाइज द एयर एंट्री। एयर एंट्री को मिनिमाइज करने के लिए हम पेशेंट को टेंडल बॉग पोजीशन देते हैं। बिकॉज यहाँ पे अगर हम लोग पेशेंट को टेंडल बॉग पोजीशन देंगे तो एयर एम्बोलिज्म नहीं होगा। एयर एम्बोलिज्म को हम लोग प्रिवेंट कर सकेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वेन इंगॉर्जमेंट भी प्रिवेंट हो सकेगा। इसलिए हम लोग पेशेंट को टेंडल बॉग पोजीशन देते हैं। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ सीवीपी की बात करें, तो मेनली हमारे फोर टाइप्स के सीवीपी होते हैं, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल लाइन, सबक्यूटेनियस, नॉन टनल्ड और कीमोप्लास्ट। फर्स्ट इज पेरिफेरल, सेकेंड इज सबक्यूटेनियस, थर्ड इज नॉन टनल्ड एंड फोर्थ इज कीमोप्लास्ट। राइट, ये हमारे टाइप्स होते हैं। अगर हम लोग पर्पज की बात करें, व्हाई वी आर इंसर्टिंग दिस सेंट्रल लाइन कैथेटर, तो सेंट्रल लाइन कैथेटर को इंसर्ट करने के बहुत सारे पर्पज होते हैं, लाइक मेडिकेशन को देना, पेशेंट को एडिक्वेट मेडिकेशन देना, एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिशन देना, और अगर वो क्रिटिकली इल है तो उसके फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना। प्लस यहाँ पे हम राइट साइड हार्ट के फंक्शन को भी डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल लाइन। राइट, अगर हम लोग कॉम्प्लिकेशन की बात करें, तो बहुत टाइप्स के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लाइक ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, लंग्स कोलैप्स भी कर सकता है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, आर्टेरियल पंक्चर हो सकता है, और न्यूमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, एयर इम्बोलाई हो सकता है, और यहाँ पे कार्डियक आर्टरी पंक्चर हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है। ये सारे बहुत टाइप्स के कॉम्प्लिकेशन हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे नर्सिस रोल क्या होता है, हम लोग देखेंगे पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं ना है, तो पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन को साइन को मॉनिटर करना, सीवीपी लाइन की पेटेंसी को चेक करते रहना, सीवीपी लाइन यूज़ करना पता होना चाहिए, कि जैसे सीवीपी प्रेशर जो होता है वो डिस्टल ल्यूमेन से लिया जाता है, और ब्लड सैंपल जो होता है वो प्रॉक्सिमल ल्यूमेन से लिया जाता है, मेडिकेशन जो होता है वो प्रॉक्सिमल ल्यूमेन से दिया जाता है, तो इन सब के बारे में जो होता है वो नर्सेस को प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। फिर अगर ल्यूमेन को क्लीन करना है, तो ल्यूमेन को क्लीन करने के लिए नर्सों को पता होना चाहिए कि उनको 2% क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट सॉल्यूशन से उनको ल्यूमेन को क्लीन करना है। और हब को कैसे क्लीन करते हैं, हब को क्लीन करते हैं 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से हब को क्लीन करते हैं। राइट, तो ये सब क्लीनिंग के तरीके नर्सेस को पता होनी चाहिए, और स्टराइल ड्रेसिंग करते हैं, स्टराइल ड्रेसिंग करना नर्सों का एक इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है। राइट, सो और रिकॉर्ड और रिपोर्ट पेशेंट की मेंटेन करके रखते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सीवीपी लाइन। इफ़ यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ आस्क योर डाउट इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू।